हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल माय वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। गाइस, जितने भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आई हेयर एंड ब्यूटी टिप्स जो भी हैं वो सारे मैं खुद अपने आप पर इस्तेमाल करती हूँ और उसके बाद ही आपको बताती हूँ। और जो भी नई वीडियोस मैं बनाती हूँ और जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाती हूँ वो सारे चीज़ें मैं अपने आप पर भी इस्तेमाल करती हूँ। तो गाइस, आप बिना कोई निसंदेह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और मैं बिल्कुल नेचुरल रख रही हूँ। नेचुरल के बिना भी जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो उसका भी मैं आपको आगे जाकर शेयर करूँगी। और आप जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल नेचुरल है और आज जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, अच्छा होगा। और आई अंडरस्टैंड कि मुझे लग रहा है कि जो भी मैं आज देने वाली हूँ शायद आपको पता भी हूँ कि जो चीज़ मैं आप आज के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ना कि बालों के लिए त्वचा के लिए भी बहुत कामों में इसको लगाया जाता है। तो आज मैं इसी चीज़ को लेकर आज आपके साथ शेयर करूँगी जो बनाने जा रही हूँ। तो गाइस, आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हेयर शाइनिंग मास्क। ओके, हेयर शाइनिंग मास्क, उसमें मैं दो से तीन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। जो इम्पॉर्टेंस है, जब सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंस है वो है नीम पाउडर। ओके, तो गाइस मैंने पहले ही कहा कि ये जो आज आपके साथ जिस चीज़ का मैं इस्तेमाल करूँगी, जो शेयर करूँगी, वो त्वचा के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे बालों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। नीम फेस वॉश आप त्वचा में भी इस्तेमाल करते हैं और नीम जो है वो बालों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज मैं नीम का ही वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ जो बहुत अच्छा है। आप खुद इसे घर में ट्राई कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, फिर मुझे बताइए। तो गाइस, आज मैं नीम की जो पाउडर है उसके साथ एक इंग्रेडिएंट्स बनाऊंगी जिसका नाम है हेयर शाइनिंग मास्क। इसमें क्या क्या चाहिए? इसमें हमें चाहिए 2 टेबल स्पून ऑफ नीम पाउडर। ओके, देन हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। ठीक है, कितना लेंगे वो मैं बाद में बता देती हूँ। देन मुझे चाहिए कोकोनट ऑयल, नीचे भी गया दिखाते वक्त, ये कोकोनट ऑयल चाहिए। देन हमें चाहिए वाटर। ठीक है, वाटर चाहिए यानी कि पानी चाहिए, कोकोनट ऑयल चाहिए, ठीक है, नारियल तेल जो होता है वो चाहिए, और फिर हमें पानी चाहिए। फिर एक बोल या मग जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, छोटा है और अच्छा भी है, तो इसको इसी में बनाऊँगी। खाली बॉयल आप कुछ भी लीजिए, खाली जार भी ले सकते हो, बॉल भी ले सकते हो, किसी ने बना सकते, जिसमें आप सही लगे, जिसके जिसमें आपको ठीक लगे, मैं इसमें अच्छे से बना सकती हूँ, आप उसी चीज़ का इस्तेमाल करें। एंड फाइनली लास्ट में जो चाहिए वो है हमारा जार। ठीक है, ये छोटा है, मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ इसलिए मैंने छोटा लिया है, क्योंकि मैं लगभग 2 वक्त के लिए बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, फिर मैं बना लूँगी। ठीक है, इसलिए मैंने छोटा लिया है और मेरे पास बड़ा खाली भी नहीं है इसलिए मैंने छोटा लिया। आपके पास अगर बड़ा अवेलेबल हो, क्योंकि ठंड की सीज़न है, ठंड का मौसम है, तो आप ज़्यादा बना कर बड़े कोई जार में लक्ष्य रख सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गाइस, आपको ये जो स्टोर करोगे, स्टोरेज इन ग्लास जार, ठीक है, आपको इसके ऐसे ग्लास जार में ही स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके इसको जार में डालने के बाद इसको आप ऐसे ही हिलाना पड़ता है, और किसी भी प्लास्टिक चीज़ में आप इसको मत रखें, ग्लास के जार में ही आप इसको रखें। ठीक है, यानी कि जब भी आप इस चीज़ का, इसी मास्क का इस्तेमाल करोगे, अगर स्टोर करना है आपको तो स्टोर इन द जार, ग्लास जार। ठीक है, ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है हमारे लिए। तो यही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एकदम आसान से है, थोड़े से कम पैसे में आपको आपके बाल शाइनिंग हो जाएंगे। और एक बार मान लो आप ये मैंने मेरे हमारे सामने लोकल दुकान से लिए हैं। ठीक है, आपके लोकल शॉप से लिए हैं, आप ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हो, आपको ऑर्गेनिक स्टोर भी उसमें भी मिल जाएगा, आपको हर्बल्स का भी आपको मिल जाएगा, हर्बलैंड्स का भी आपको मिल जाएगा, फिर आपको अल्प्स जो है पर्पल में मिलते हैं इसमें भी आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, स्नैपडील में भी मिल जाएगा आपको। ओके, जितने भी हैं ऑनलाइन शॉप हमारे उसमें आपको मिल जाएंगे ये चीज़ें। लेकिन मैंने क्या किया है, क्योंकि वहाँ से लाती हूँ तो ऑनलाइन स्टोर में कभी कभार मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कि कभी कुछ गलत ना हो जाए, और
कभी लगता है कि मैं मंगवाती हूँ ऐसा कभी अलग ना हो जाए, तो कभी कभार तो ठीक ही हो जाता था, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है ऑनलाइन स्टोर से। तो मैंने ये हमारे लोकल दुकान से मैंने खुद जाकर लिया है नेम पाउडर। आप जब भी नेम पाउडर ले, ऑनलाइन ले या कहीं से भी ले, आप इसको नाक के सामने लाए, तब आपको ना एक स्मेल आएगा जो आपको हजम नहीं होगा, अलग सा लगेगा वो थोड़ा सा, ठीक है, उल्टी उल्टी भाव जैसा लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि नेम पाउडर ओरिजिनल है, ठीक है। तो मैंने नेम पाउडर लिया है, तो यानी कि हमें चाहिए क्या, नेम पाउडर। आप नेम पाउडर को एक पा मैंने सिर्फ 25 रुपये का लिया है, और सोचिए 25 रुपये मैंने आज एक बनाई हुई, 2 बार लगाऊंगी, फिर मेरा कम से कम और 5 से 6 बार बन जाएगा। तो आप भी अगर ऐसे हो ले सकते हो, ऑनलाइन मंगवाओगे तो आप लोग को कम से कम तो 100 लग ही जाएगा। अगर आप कॉम्बो में लाते हो तो ज़्यादा लेकर आते हो कुछ और, तो आपको थोड़ा सा और कम पैसा मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ वन चीज़ ही लाते हो तो 80 से 100 समथिंग ऐसा तो ले ही जाएगा आपका फ्री शिप, अगर फ्री शिपिंग होता है तो। अगर शिपिंग फ्री नहीं होता, शिपिंग चार्ज होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको इसमें 50 ml तो रहेगा ही रहेगा, या फिर 100 ml रहेगा तो बहुत दिन जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ हमें चाहिए आज नेम पाउडर, ठीक है। और कोकोनट ऑयल तो हम घर में इस्तेमाल करते ही हैं, आप कोकोनट ऑयल की जगह दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, मैं बस बोलूँगी कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, आप इसको ही इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आपके ऑप्शन से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और चाहिए हमें वाटर, और एक चाहिए खाली जार, ठीक है, या मग जो भी आप कहें उसमें लिए। तो मैंने यहाँ पे नीम का पाउडर जो है वो सिर्फ 2 चम्मच लिया है, फिर भी अगर आपको विश्वास ना हो मैं ले लेती हूँ आपके सामने ही, ये देखिए 1 चम्मच एंड देन 1 चम्मच, मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही लिया है, थोड़ा सा बचा है तो मैंने 2 चम्मच ही लिया है इसमें। आप भी आपके हिसाब से लीजिए, मैंने जैसे मैंने कहा 2 वक्त या 2 बार के लिए बनाऊंगी, इसलिए 2 दिन के लिए, तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल करूँगी, ऑयल भी आपको 2 चम्मच ही लेना है। देखिए ये मैंने 1 चम्मच ले लिया है, फिर और 1 चम्मच लूँगी, ये मैंने और 1 चम्मच ले लिया है, सिर्फ 2 चम्मच ही मैंने लिया है। पानी आपके ऊपर डिपेंड है, 2 से 5 चम्मच के अंदर ही लें। अगर 2 चम्मच नीम पाउडर है, 2 चम्मच आपके कोकोनट ऑयल है, तो पानी आपको 2 से 5 चम्मच के अंदर लेना चाहिए, वो आप जब मिलाओगे आपको हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। आप बालों में कितना पतला देना चाहोगे, कितना गाढ़ा करना चाहोगे, वो आपके ऊपर है। पतला देने से तो पानी आपके सिर से गिरेगा, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा गाढ़ा बनाएं, ताकि जब भी बालों पर आप लगाएं वो अच्छे से बैठे रहे, ठीक है, ताकि मिल जाए। आप इसको पानी में, पानी कोकोनट ऑयल ये सभी चीज़ों का मिश्रण के बाद इसको अच्छे से मिश्रण कीजिए लाइक दैट, या फिर आपके पास अगर मिश्रण करने का कोई भी है तो उसके सहारे भी आप इसका मिश्रण कर सकते हैं। तो आप इसको कुछ देर तक मिश्रण करते रहिए। तो गाइस देखा मेरे थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा और लूँगी, मैं 2 चम्मच लिया था, मैंने और 1 चम्मच 3 चम्मच ले लिया, मैंने अभी इस पर 4 चम्मच ले लिया, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा नीचे गिरा भी है तो देख सकते हैं। मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ, आप भी इसको अच्छे से मिला लें, मिलाते रहें जब तक ना मिल जाए, तो आप इसको ऐसे ही मिलाते रहें। देखिए लगभग मैंने मेरा जो मिश्रण है, जो मिक्स है, वो ऑलमोस्ट रेडी है। गाइस मिक्स करते हुए मैं आपको बता दूं कि आपको इसको स्टोर करना है ग्लास जार में एंड मिक्स इट वेल, ठीक है, बिफोर यूज़ मिक्स इट वेल प्लीज़। इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है एंड अप्लाई द मास्क ऑन स्कैल्प एंड हेयर, ओके, एंड कीप इट फॉर 25 to 30 minutes। आपको इसको स्कैल्प और हेयर में लगा देना है, और उसके बाद आप क्या करना है, उसको 25 to 30 minutes आपको इसको रख देना है, एंड आप उसके बाद 25 to 30 minutes बाद आप उसको पानी से धोए। अगर आप चाहते हो शैम्पू करना, देन अप्लाई शैम्पू अगेन, ठीक है, एंड फिर आपसे अच्छे से जेंटली ड्राई योर हेयर, ओके, फिर आप सुखाइए हेयर को, देन आपको देखना, आपको पता चल जाएगा कि कैसा है मार्क्स। गाइस सो लुक इट, मेरे मिक्स ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़े थोड़े से दाना बच गया है, मैं उसको भी मिश्रण कर देती हूँ। सो देख सकते हैं मैंने उसका भी मिक्सर अच्छे से कर लिया है, मिक्स्ड में रेडी है ऑलमोस्ट। गाइस आपको मैं जैसे कहा 25 to 30 minutes आपको इसको रखने है, इससे पहले आप इसको खाली जार में स्टोर कर दें, उसके बाद उसको स्टोर करके किसी ठंड एरिया में रख दिया, अगर फ्रिज है आपके पास तो रखिए, नहीं तो आप एक थोड़े से बोल में पानी लेके उस पानी में उसको थोड़ा सा रख दें अलग से, ठीक है। उसके बाद आप उसको जब चाहें कम से कम 10-15 मिनट बाद ही लगाए,
मेरे पास अभी टाइम अवेलेबल नहीं है, मैं कल सुबह लगाऊंगी या कल इवनिंग को ड्यूटी से आने के बाद लगाऊंगी। सो आपके पास अगर टाइम अवेलेबल नहीं है, आप बिजी हो, तो आप जब भी लगाओ लगा सकते हो। ये बना दिया है हमने ऑलरेडी, और जैसे देखा आपने मेरे जार में भी कंप्लीट जगह हो गया है, तो ठीक इसी तरह आपको बनाना है। सो गाइस, मेरी जो पैक है हेयर शाइनिंग मास्क पैक, ये भी ऑलमोस्ट रेडी है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, 100% श्योर आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। ओके गाइस, देन